तो दोस्तों रॉ रिव्यू में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलजी के डबल डोर रेफ्रिजरेटर की, जो कि 260 लीटर में आता है। साथ ही साथ इसके रेटिंग की मैं बात कर दूं, ये 2 स्टार रेटिंग में आता है और ये कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है। इसमें 3 बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको बता दूं। स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर, कन्वर्टेबल प्लस, साथ ही साथ स्मार्ट डायग्नोस्ट। इस वीडियो में पूरी बात करेंगे, इन्हीं सब चीजों के बारे में बताएंगे, तो देखते रहिए वीडियो। तो दोस्तों इसके बात करें कलर की, कंपनी ने इसके कलर का नाम रखा है डेजल स्टील कलर। और हाँ, अगर ये फ्रिज आपके घर के किसी भी कोने में रखा है तो बेहद शानदार और अच्छा लगेगा। तो दोस्तों बात करें इसके फीचर की, स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर आखिर वो क्या कुछ खास करता है। उसका काम यह है कि वो लो नॉइज स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर है। लो नॉइज, साथ ही साथ बेटर एनर्जी एफिशिएंसी आपको प्रोवाइड कराता है, जिससे कि इसमें रखे हुए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और भी कई फूड प्रोडक्ट्स हैं, उसकी लाइफ को बढ़ाता है और फ्रेश रखता है। तो दोस्तों इसका मैं फ्रीजर चैम्बर ओपन करता हूँ। जैसा कि मैं आपको हैंडल की बात बता दूँ, बहुत ही शानदार हैंडल है, अच्छी ग्रिपिंग रहेगी इसमें। और मैं ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ क्या कुछ खास है इसमें। ये मैंने ओपन कर दिया है। इस चैम्बर को आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस है और कंपनी ने एक स्मार्टनेस में ये कर रखी है कि इसे एज ए फ्रीजर यूज करना हो आप तो फ्रीजर भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे ड्यूल फ्रिज, अगर आपको उसको फ्रिज के तौर पे यूज करना है, कोई भी प्रोडक्ट रखना है, पानी पीने का सामान, तो उसको आप नॉर्मल एज ए फ्रिज के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, फ्रीजर के तौर पे यूज करना है और साथ ही साथ आपको फ्रिज के तौर पे भी यूज करना है, तो दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, आपकी जरूरत के हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग में एक बात करी थी इसके फीचर की, स्मार्ट डायग्नोस्ट फीचर की, वो क्या कुछ खास है। अगर आपके फ्रिज के टेम्परेचर सेटिंग में कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे कस्टमर केयर पे कॉल करनी है और बताना है कि हमारे टेम्परेचर में कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही आप कॉल करेंगे तो कस्टमर केयर से आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो ये कहेगा आपसे कि अपना फोन ले आइए और इसके डायग्नोस्ट पोर्शन पर ले आके इसको रख दीजिए, वो कि मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक छोटा सा आइकन आपको दिख रहा होगा फ्रिज के टॉप पे स्मार्ट डायग्नोस्ट करके। यहाँ पे बस आपको अपना फोन रखना है, जैसे ही आप अपना फोन रखेंगे तो कस्टमर केयर आपको बता देगा आपके फ्रिज में क्या कुछ सेटिंग में चेंज करना है, ये स्मार्टली डायग्नोस्ट कर लेगा, और जो कि एक इनोवेटिव और बेहतरीन फीचर है इसका। तो ये तो रही इसके डायग्नोस्ट की बात, और आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ इसमें खास है वो आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं साइड चैम्बर में क्या कुछ है, ये 2 रैक दिख रखा है इन्होंने, जो भी आपको फ्रोजन फ्रूट रखना हो उसमें आप रख सकते हैं। वैसे तो कंपनी ने कोई ब्रांडिंग नहीं कर रखी है, तो लेकिन आप जरूरत के हिसाब से अपनी चीज़ें रख सकते हैं। तो दोस्तों अब नीचे वाले सेगमेंट में आपको लेके चलता हूँ, उसमें क्या कुछ खास है दिखाता हूँ आपको। तो देखिए जैसा कि मैंने सेगमेंट इसका ओपन कर दिया नीचे का, उसमें आप देख सकते हैं 3 चैम्बर दे रखे हैं, 1, 2, 3 विद टफेंड ग्लास। टफेंड ग्लास मजबूती का नाम है टफेंड ग्लास, जो कि एक बहुत ही अच्छी डील है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके फ्रीजर की सेटिंग की, जो कि आपको दिख नहीं रही होगी, उसके लिए मुझे कैमरा बहुत ही ज़्यादा क्लोज लेके आना पड़ेगा और आपको दिखाना है। तो दोस्तों इसके टच पैनल की तरफ मैंने ये कैमरा घुमा दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहले तो मैं इसके बात करूंगा इसके पैनल की, इसमें आप देख सकते हैं फ्रिज और डील फ्रिज का ऑप्शन है। आपको अगर सिलेक्ट करना है तो उसको 3 सेकेंड होल्ड करना होगा प्रेस करके, साथ ही साथ अगर नॉर्मल फ्रिज और नॉर्मल फ्रीजर आपको यूज करना है तो उसके लिए आप ये ऑप्शन को टच करके 3 सेकेंड प्रेस कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिक सेटिंग चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से आपको चेंज करना है, अगर आपको आपके फ्रीजर को अगर फ्रिज बनाना है नॉर्मल, तो यहीं से आपकी सारी सेटिंग चेंज होगी। और जैसा कि आप डक देख रहे होंगे, ये 1, 2, 3 और नीचे भी आपके डक है। अब उस डक का काम क्या है, उस डक से आपका मल्टी एयर फ्लो होगा और आपके फ्रिज में जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी लाइफ शेल, मतलब कि शेल लाइफ जो होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका जो फूड प्रोडक्ट होगा वो फ्रेश रहेगा। तो दोस्तों उसके बाद करेंगे इसके बास्केट की, उसमें क्या कुछ खास है। कंपनी ने इसे फ्रेश जोन के नाम से ब्रांडिंग कर रखी है और उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए 2 ऑप्शन है। अगर आपको फ्रूट रखने हैं तो कर्सर को इधर करना होगा, अगर आपको वेजिटेबल रखना होगा तो इधर आपको मूव करना होगा। और इसके स्पेस की बात करें, इसमें अच्छा खासा स्पेस है और साथ ही साथ कंपनी इसको मॉइस्चर कंट्रोल के नाम से ब्रांडिंग करती है, मॉइस्चर कंट्रोल, जिससे कि आपके फ्रूट्स वेजिटेबल का मॉइस्चर लेवल बना रहे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि फ्रेशनेस
बनी रहेगी आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल में। तो अब बात करेंगे इसके साइड डोर में क्या कुछ खास है वो आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसके साइड डोर की बात करें, इसमें रैक दे रखा है एग रखने के लिए, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपके लिए वाटर बोतल के लिए ऑप्शन दे रखा है। इसमें आप 2 लीटर की बोतल रख सकते हैं इजिली। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो थोड़ा निराशा आपको हाथ लगेगी, यहाँ पे किसी तरह का कोई चैम्बर नहीं दे रखा है कंपनी ने। तो आपको अगर समझौता करना है तो इसी रैक से आपको पानी की बोतल के लिए समझौता करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक आध फीचर है इसके जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें फ्रॉस्ट फ्री है, किसी तरह की बर्फ नहीं जमेगी, एक्सेसिव बर्फ नहीं जमेगी। अगर जमती भी है तो ऑटोमेटिक ये ऑटो डीफ्रॉस्ट कर लेगा अपने आपको। साथ ही साथ इसमें बिल्ट इन स्टेबलाइजर है, आपको स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसके बात करें वेट की, इसमें 35 kg वेट है जो कि अच्छा वेट है, जिससे कि आप अपने घर में किसी भी कोने पे मूव कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, इसमें जो गैस का इस्तेमाल किया है रेफ्रिजरेंट का, वो R600A गैस है। तो दोस्तों ये तो रही इसके फीचर्स की बात, और बात करें इसके रेटिंग की जो कि मैंने आपको बता चुका था 2-स्टार रेटिंग है। तो बात करें इसके प्राइसिंग की, उससे पहले बता दूं इसके वारंटी इसकी ओवरऑल प्रोडक्ट पे 1 साल की वारंटी है, जबकि इसके कंप्रेसर पे कंपनी 10 साल की वारंटी देती है। अब बात प्राइसिंग की, प्राइसिंग इसकी आपको 23,000 के अराउंड कॉस्ट करेगी, और आपके लोकेलिटी आपकी जगह के हिसाब से अप एंड डाउन हो सकता है प्राइस में। और हाँ, इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी मन में सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और हाँ, जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू दोस्तों। We'll be right back.